हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ना आज मैं अपने सारे काम निपटा चुकी हूँ, खाना वाना भी बन चुका है मेरा। बैठती 5 मिनट फिर आप लोगों से बात करती हूँ। खाना वाना भी जो है वो मेरा मैं निपटा चुकी हूँ, क्योंकि आज मैं करने जा रही हूँ कुछ अपने लिए, अपने ऊपर ध्यान देने जा रही हूँ। क्योंकि देखिए बारिश का टाइम है और बारिश के टाइम में ना बाल जो होते हैं ना बहुत झड़ते हैं, इतने झड़ते हैं कि पूछिए मत। तो बारिश में इनकी केयर जो करना है वो बहुत ज़रूरी है। और बहुत दिन से मैंने ना इस पैकेट मंगा के रखी हुई है, हेयर इस पैकेट, तो वो मैं सोच रही हूँ कि मैं कर लूँ, क्योंकि हेयर वॉश किया है और हेयर वॉश करने के बाद ही करते हैं, इसलिए मैंने खाना वाना पहले ही निपटा लिया और अब जाके वीडियो स्टार्ट की है। क्योंकि पहले मैंने कहा फटाफट से काम निपटा लो, उसके बाद अपने काम से लगेंगे ना तो क्या फ्री माइंड रहेगा, ये नहीं लगेगा कि हमें कुछ करना है। अब क्या मैं फ्री हूँ, फ़िलहाल के लिए फ्री हूँ, 1-2 घंटे, 1 बज रहे हैं तो मैं 3 बजे तक फ्री हूँ, तो मैं अपने ऊपर ध्यान दे सकती हूँ। क्योंकि 10-15 मिनट करने में भी लग जाएगा और 8-10 घंटा फिर इसे छोड़ने के बाद फिर हेयर वॉश करना पड़ेगा, मतलब वॉश करने से मतलब सिर्फ पानी से वॉश करना पड़ेगा इस वजह से। तो सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, आप लोग कैसे हैं मुझे भी ज़रूर बताइएगा। और बस नहा के ही निकली हूँ अभी, और नहा के निकलते ही मैंने बस काजल लगाया है, बिंदी लगाई है, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है हल्की सी लाइट कलर, और बस वीडियो उठा लिया है, कैमरा उठा लिया है हाथ में अपने आप से लोगों से बात करने के लिए और अपनी वीडियो की शुरुआत करने के लिए। लंच में बताती हूँ कि क्या क्या बनाया है, दिखा देती हूँ, दिखा नहीं देती मतलब बता दूँगी। लंच में हमने बनाया है, इसमें है आलू बैंगन की सब्जी, थोड़ी घुटी घुटी बनती है ना वो है, और इसमें है पुलाव, वाइट वाला आलू टमाटर वगैरह डाल के जो पुलाव बनता है वो बनाया है, और साथ ही हमने बनाया है रायता। ये आज का हमारा लंच है। रेसिपी क्या मतलब रेसिपी नहीं, आपको डिश क्या दिखाऊं, सभी को पता है कि कैसे क्या है ना, तो बस यही कुछ है। और चलिए फिर ज़्यादा बातें ना करते हुए इस पर अपना स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, थोड़ा बहुत ही कर पाऊँगी क्योंकि पूरा वीडियो बनाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो देखिए मैं मतलब अपने बाल जो है वो मैंने खोल लिए हैं, इस तरह से गीले हैं, और अभी इन्हें मैं ना सुलझाऊँगी, उसके बाद करूँगी, नहीं तो बहुत बार निकलेंगी, सुलझा लूँगी तो अभी निकलेंगे तो सही, क्योंकि झड़ बहुत रहे हैं, है ना। और मैं दिखाती हूँ आपको अपनी इस बात, आप पोल्ट्री दिख रही होगी, आप पोल्ट्री दिख रही होगी ना, लेकिन ये ना प्रोफेशनल O3+ की है, O3 ब्रांड आता है उसकी है, हेयर सॉल्यूशन 2-in-1 है, डैमेज ट्रीटमेंट एंड एंटी हेयर फॉल, मतलब कि जो हमारी परेशानी है ये उसके लिए। पता है क्या होता है, जब भी हम कुछ काम करने बैठते हैं ना तो कॉल आ ही जाता है, और इसी फोन पर ज़्यादा कॉल आते हैं क्योंकि यही नंबर सबके पास है। हाँ, तो ये इस पॉकेट है, ये जो हमारी परेशानी है उसी के लिए है, उसी बेस पे मैंने मंगाया था कि डैमेज ट्रीटमेंट एंड एंटी हेयर फॉल, जो कि आजकल सभी को हो रही है, तो वो है ये है। अब मैं अपना जो है इसको ओपन करके इस बाउल में निकाल लूँगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी मैं किस तरह से करूँगी। तो मैं आपको ना मतलब स्पा करके दिखाने वाली थी, बट ये ना स्पा के लिए ज़रूर है, बट इसमें ना स्पा वाला कुछ नहीं लगता मुझे। ये देखिए इसमें तो 2 पीस हेयर शैम्पू है, स्टेप 1 लिखा हुआ है, एंड देन स्टेप 2 है हेयर मास्क, इसमें मास्क है, तो बस यही मेन है। और बाकी शैम्पू मैं कर चुकी हूँ, मुझे नहीं पता था कि इसमें इस तरह से मतलब कुछ ऐसे निकलेंगे, इस वजह से मैंने वो किया। और ये है एक हेयर सीरम, ये सीरम है, तो ये हम मतलब लगा सकते हैं और इससे वॉश करने के बाद। तो फ्रेंड्स मैंने ना मतलब अपना स्पा करने का प्लान कैंसिल कर दिया है, क्योंकि ना स्पा में ना एक ही क्रीम आती है, स्पा क्रीम, और ये अलग तरीके का है, ये जैसे कि फेशियल होता है ना, अपने फेस पे फेशियल करवाते हैं अपन, उसमें जैसे स्टेप्स रहते हैं ना, ऐसी उस किट में स्टेप्स है। और मैं हेयर वॉश कर चुकी हूँ, तो फिर अब आज तो फिर मैं उससे नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अलग शैम्पू से किया है और उसमें शैम्पू दे रखे हैं, 2 तरह से आपके शैम्पू के दे रखे हैं, एक हेयर मास्क दे रखा है और हेयर सीरम दे रखा है, तो ये 3 स्टेप उसमें दे रखे हैं, मतलब 2 तरह से शैम्पू के, तो इस तरह से 4 तरह से हैं, तो वो मैं फिर अब किसी और दिन करूँगी। और आज सोचा
बट चलिए, मैंने खोल के नहीं देखा था ना, आज ही मैंने किट ओपन की है और बाहर भी मैंने पढ़ा नहीं, मतलब मंगा के रखी, जबकि रखी हुई है बहुत दिन की रखी हुई है, और इसलिए मैंने सोचा आज कर लेती हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं करूँगी किसी और दिन, और पता नहीं अब शेयर कर पाऊँगी या नहीं, नहीं पता, क्योंकि मेरा ऐसा ही होता है, जब कुछ सोचती हूँ और नहीं होता है ना, फिर बात ही हो जाती है, लेकिन करूँगी ज़रूर, क्योंकि मैं इसको ओपन कर चुकी हूँ, बट शीशे ओपन नहीं किए हैं, तो उसको जल्दी ही करूँगी, बट अगर मुझे पहले मैंने ओपन करके देखी होती ना, तो मैं उसी से हेयर वॉश अपना कर लेती। चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी और शेयर कर देंगे, अगर वीडियो बनाई तो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। और चलिए कोई बात नहीं है, वैसे तो ना मेरे देखिए शायद एक दो बाल सफ़ेद आ गए, तो इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, मेहंदी लगाऊंगी, हिना मेहंदी। मेरा ना स्ट्रेटनिंग करवाने का मन है ना वापस से, इस वजह से ना मैं हिना कम लगाती हूँ, क्योंकि स्ट्रेटनिंग का फिर वो रिजल्ट नहीं मिलता है जो कि मिलना चाहिए, वो रिजल्ट नहीं मिलता फिर स्ट्रेटनिंग का, इसलिए स्ट्रेटनिंग करवानी हो तो हिना तो बिल्कुल भी मत लगाइए। और मेरे बाल इतने बर्बाद स्ट्रेटनिंग से ही हुए हैं, फिर भी ना भूत नहीं उतर रहा है स्ट्रेटनिंग का, क्योंकि बाल मुझे कर्ली नहीं पसंद है, और क्या कर सकती हूँ, और हस्बैंड भी आने वाले हैं इसलिए, और मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि उनका कॉल आ गया कि मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा हाँ जब मुझे कुछ करना होता है ना तो जल्दी आएंगे, और जब मैं फ्री बैठी रहती हूँ तो फिर नहीं आते, तो फिर लेट आते। चलिए कोई बात नहीं, आज बहुत ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाई हूँ, इवनिंग में ज़रूर शेयर करूँगी, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, देखती हूँ कोई रेसिपी बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देख सकते हैं आप, इवनिंग का टाइम हो गया है और मैंने अभी अभी जो है दीपक जलाया है, पूजा करके चुकी हूँ, और बस दोपहर में अपना काम कर रही थी तब कोई भी वीडियो नहीं बनाई, और अब जो है, अच्छा काजल लगाने से आईज के नीचे कितना काला काला लगने लगता है, और काजल नहीं लगा तो फिर ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं आँखों में, तो काजल लगता भी अच्छा है। और आज लंच जो था बहुत ही सिंपल सा बनाया था, इस समय भी सिंपल ही रहेगा, कल हो सकता है कि कुछ अच्छा बनाऊं, देखते हैं, अभी कुछ पता नहीं है, और अभी किचन में काम हमारा जो है वो बाकी है, दिखाते हैं, बहुत सारे काम अभी बाकी हैं किचन में हमारे, बर्तन क्लीन करने हैं, दही जमाना है, बहुत सारे काम हैं। चलिए अपने काम निपटाते हैं और फिर मिलेंगे आप लोगों से। यहाँ मैं किचन में आ चुकी हूँ, इवनिंग का टाइम है, और जो है मतलब जब काम करने बैठी तो फिर मुझे लगा कि हाँ दिन में ना जो लाल मिर्च का पाउडर होता है ना वो ख़त्म हो गया था, और मैं पीस ही नहीं पाई थी पहले से, क्योंकि ना अभी धूप नहीं निकल रही ना, और मिर्च जो है वो सॉफ्ट सी हो गई, तो पीसने में दिक्कत कर रही है, तो मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ अभी अभी मैं कि जितनी ज़रूरत होती है ना उतनी ही पीसती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पीसने में बैठ जाओ तो जार ही ख़राब हो जाता है, छोटी मिक्सी है ना इस वजह से, क्योंकि ये बहुत लंबे काम के लिए नहीं है, इस वजह से मेरी ख़त्म होने वाली होती है उससे पहले मैं पीस लेती हूँ, तो यहाँ के अभी का काम तो हो जाएगा लेकिन मॉर्निंग के लिए मुझे चाहिएगी, और इसलिए, और मैं मिर्च ना मंगा के रखती हूँ, घर की पिसी हुई जो होती है ना वही मैं यूज़ करती हूँ, मार्केट से मैं बिल्कुल भी मसाले जो है वो दो मसाले तो बिल्कुल भी पिसे हुए नहीं लेती, क्योंकि वो बुरादे जैसे मिलते हैं और मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और यहाँ मैं आपको बताती हूँ आज पता है क्या हुआ, ये काम तो मेरे चलते रहेंगे वो तो आप देख ही रहे हैं, आज पता है क्या हुआ, स्पा करने बैठी और सब पानी फिर गया मेरे, जो मैंने सोचा था कि हाँ स्पा करूँगी ऐसा वैसा ये वो थोड़ा सा सही हो जाएंगे हेयर्स, लेकिन सब पानी फिर गया, और स्ट्रेटनिंग ने तो बाल बर्बाद कर ही दिए हैं मेरे, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, स्ट्रेटनिंग ने, सच बता रही हूँ, मतलब वापस मन है मेरा कराने का, क्योंकि मुझे स्ट्रेट हेयर पसंद है, बाकी स्ट्रेटनिंग सच बताऊँ एक बार अगर करवा चुके हो तो बर्बाद हो ही चुके हैं, अगर जिसने नहीं करवाया और सोच रहा ना बिल्कुल मत कराना, बाल बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, कौन कहता नहीं होते, होते ही हैं, चाहे आप कहीं से भी कितने भी अच्छे पार्लर से करा लो, कहीं से भी करा लो, बाल तो बर्बाद होंगे ही, क्योंकि इतना केमिकल लगता है ना उसमें और हीटिंग लगती है, तो दोनों ही चीज़ से बाल बर्बाद ज़रूर होते हैं, केमिकल उसमें बहुत लगता है, और उस केमिकल में पता नहीं क्या चीज़ होती है जिससे बाल जो है आपकी जो रूट्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जो है कमज़ोर हो जाते हैं, तो बिल्कुल मत कराइएगा। और पता नहीं, मैं तो सोच तो ज़रूर रही हूँ कराने की वापस, लेकिन नहीं कराऊँगी, जितना होगा निकाल दूँगी मैं टाइम, और बिल्कुल ही जब आती हो जाएगी ना तब मैं सोचूँगी कराने की, वरना मैं नहीं करवाऊँगी, और सच बता रही हूँ बिल्कुल भी आप लोग भी मत करवाइएगा, क्योंकि बहुत ही बर्बाद हो जाएंगे बाल आपके, हर ऐसा लगता है कि किसी दिन टकले ही हो जाओगे, क्यों, क्योंकि बाल ही इतने निकलते हैं, धो तो निकलते हैं, हेयर वॉश करो तब निकलते हैं, और आपका जब आप बाल
फॉर्म करते हो तब भी निकलते हैं, तो मतलब जब भी आप करने बैठ जाओ यूँ ही हाथ भी लगाओगे बाल को तो हाथ में ही आते हैं बाल, इतने ज़्यादा बाल झड़ रहे हो। किस किस के झड़ रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अगर आप लोगों के भी झड़ते हैं तो। नॉर्मली भी झड़ते ही हैं बिना स्ट्रेटनिंग के लिए भी, लेकिन स्ट्रेटनिंग के बाद तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाते हैं। और यहाँ जो मैं क्या बना रही थी आपको बताती हूँ, यहाँ मैं बना रही हूँ मसूर की दाल, जो काली मसूर होती है ना वो दाल बना रही हूँ। और ये दाल मैं दो तरह से बनाती हूँ, एक सूखी भी बनाती हूँ और रसे वाली भी बनाती हूँ। रसे वाली मैं बनाती हूँ चावल से खाने के लिए, और सूखी हम लोग रोटी से खाते हैं, क्योंकि मान लो एक दो रोटी खानी है तो सूखी दाल भी बहुत अच्छी लगती है। कभी ट्राई नहीं की है ना तो करना ज़रूर, क्योंकि वास्तव में बहुत अच्छी लगती है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। और सूखी मैं कुछ भी नहीं डालती, सिंपल मसाले से छोंक देती हूँ, आप चाहो तो डाल सकते हो, बाकी ज़रूरत नहीं है, सूखी ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है। और रसे वाली मैं तो प्याज वगैरह डालती हूँ, प्याज डालती हूँ, टमाटर नहीं डालती उसमें, कभी मन करता है तो डालती हूँ टमाटर, वरना टमाटर मैं स्किप ही करती हूँ, क्योंकि उसमें मैं इमली का पानी डालती हूँ, इमली का जो पानी बनता है ना भिगो देती हूँ इमली को, और उसका फिर पानी निकाल के वो मैं दाल में डाल देती हूँ। ये देखिए यहाँ मैं सूखी दाल मेरी बन चुकी है, तो मैं कटोरी में निकाल दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, एक कटोरी सूखी दाल हो जाएगी और दो तीन कटोरी रसे वाली दाल हो जाती है, तो इतने में हमारा हो जाता है। और यहाँ आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहीं हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो तो बहुत बड़ी थी लेकिन ना बस मैंने बीच में ही एंड कर दिया, नहीं तो आप लोग बोर ही हो जाओगे देखते देखते कि क्या दिखाया है वीडियो में, इस वजह से। प्लीज़ वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आती हो ना आप लोगों को तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, और मुझे कमेंट करके ही बता सकते हैं, ठीक है। और वीडियो मतलब बस अब क्या बोलूँ, इस वीडियो में कुछ खास नहीं था, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।